हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफ आर टे के बारे में, जो कि इक्विजन का है। ये इस टाइम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडस्ट्रियल में, रेस्टोरेंट एंड होटल्स वगैरह सभी में, जो कि आपका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स है ये एंड थर्मल स्कैनिंग का है। तो चलिए इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक सील पैक्ड है, बॉक्स है जिसका। अभी मैं आपको इसका मॉडल नंबर शो कर देता हूँ। ये है अपना मॉडल नंबर है, जो है DSK1T60PEF करके है। एंड अप्रोक्स इसका प्राइस, जो इसमें मैक्सिमम प्राइस दिया हुआ है, वो 1,54,700 का है। एंड सेलिंग पर अगर आपको ये चाहिए तो इसका जो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा, जो हमारे यहाँ से मिलेगा, वो आपको अप्रोक्स 1 लाख के अप्रोक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए मतलब कि अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। एंड चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका कि अंदर से ये किस टाइप से होता है। तो हम इसके अभी सील ब्रेक करने वाले हैं, ये सील पैक था बिल्कुल। तो देखते हैं अभी इसमें क्या क्या निकलता है। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी दिखने में तो काफ़ी बड़ा बॉक्स सा लग रहा है, बट अभी इसके अंदर का क्या क्या निकलता है वो देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपके पास जो आया है, एक आया है इसमें मैनुअल्स, जो कि आपका गाइड वाइड गाइड वगैरह का है। एंड कुछ वायरिंग्स के कनेक्टर्स दिए हैं, वायर हैं, कनेक्टर्स हैं। एंड यहाँ पे ये आपको एलन की मिल जाती है एक इसके अंदर, दूसरा ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे पेच स्क्रू वगैरह मिल जाते हैं आपको। एंड और एक छोटा सा गाइड है कि कैसे इंस्टॉल करना होता है इसको। ठीक है, ये हम देखते हैं जब इसका इंस्टॉलेशन करेंगे उस टाइम। तो अभी हम अंदर देखते हैं अंदर इसमें क्या और क्या निकलता है। तो इसको हटाओ एक मिनट। सो गाइड, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन गार्ड आ जाता है। ये एक स्क्रीन गार्ड है जो मशीन का है ऊपर का। एंड ये इसमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये हिकविजन का, जिसमें एक थर्मल कैमरा अलग है एंड फेस रिकॉग्निशन कैमरा जो आपका इसके मशीन से अंदर ही आता है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका। तो गाइड, ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ये हिकविजन का है, DSK1 करके मॉडल है इसका, जो कि टेम्परेचर डिटेक्शन एंड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, जो कि फेस मास्क वगैरह डिटेक्ट करता है आपका, कि अगर फेस मास्क फेस फेस पर मास्क नहीं लगा हुआ है तो ये आपको अलार्म दे देगा। एंड ये शो करा देगा आपको कि, एंड बार बार रिपीट करेगा कि आपने मास्क नहीं लगा रखा है, प्लीज़ मास्क लगाएं। ओके, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये इसका बैक पैनल है। ओके, ये हिकविजन का है। मैं इसका अभी और जब इसका इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा इसका। बट इसमें आपको एक GSM ऑप्शन मिल जाता है, दूसरा इसके साथ एक कम्युनिकेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर भी आता है, जिसपे आप सॉफ्टवेयर पर लाइव आप देख सकते हैं कितना टेम्परेचर जा रहा है। दूसरा इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं, कि जैसे कि आपका अटेंडेंस सिस्टम के लिए भी यूज में कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, अप्रोक्स 5,000 से एम्प्लॉय का इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फेस फेस के अकॉर्डिंग कि फेस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम 5,000 का अटेंडेंस सिस्टम दिया हुआ है इसमें। एंड ये आपका RFID टैग वगैरह का RF के लिए है ये। तो ये बेसिक सा एक छोटा सा पैनल मशीन है इसका, हिकविजन का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है इस टाइम सभी इंडस्ट्रियों में। मैं ये आज इसका इंस्टॉलेशन कर रहा था किसी कंपनी में, सो मैं मुझे लगा कि आज इसका इसका अनबॉक्सिंग करना चाहिए और आप लोगों को दिखाना चाहिए कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, इसकी वायरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो देखते हैं शुरू इसका इंस्टॉल करके देखते हैं, तो मैं आपको इसका ज़रूर दिखाऊंगा अभी। सो प्लीज़ वेट थोड़ा सा, चलिए देखते हैं इसका। सो अभी इसके अंदर हमने ये सारा निकाल लिया है सब कुछ, तो अभी स्क्रीन गार्ड निकाल दिया। इसके पीछे का देखते हैं कि पीछे की साइड में क्या है इसका। ये इसके फॉर्मिंग्स ऊपर हटा लेते, एक ये इस पैनल के साथ आता है, एक बैक के कवर है जो कि वॉल माउंटेड है ये, जिसको ये इसमें स्क्रूज, इसमें आपके स्क्रूज वगैरह लग जाएंगे, स्क्रू लग जाएंगे यहाँ पे, ये वॉल माउंट हो जाएगा, ये आपके इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा वॉल में, जैसे कि ये इस तरीके से ये वॉल में स्टेबल हो जाएगा, जस्ट ऐसे इस पर आपका पैनल लग जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ये मशीन लग जाएगी ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसका हम इंस्टॉलेशन करके देखेंगे किस तरीके से करते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी बेस्ट प्रोडक्ट एंड हाई रिलायबिलिटी सिस्टम्स है ये आपका। ठीक है, अच्छा वर्क करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है ये। सो इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ओके, इसका वर्किंग टेम्परेचर जो आ रहा है आपका, ये अप्रोक्स इतना आ रहा है इसमें, 12 वोल्ट 2 एम्पीयर पे ये वर्क करता है। ओके, तो
तो प्लीज़ देखते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में।